Hello students, so this is your chapter in unit 2 and this chapter name flying together. So let's start this chapter. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. So here are the something that आपको teachers भी बोलते हैं जो और आपके parents भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि morning में जल्दी उठो, अपना homework करो, अपने bags bags जो हैं वो pack करो, तो इस तरीके से, ठीक है ना. ये just आपको बता रखा है, class में होते हैं, so we'll discuss in it in another way, but here we can read this only, okay. So what happened when you did not do as they ask you to do, ठीक है. तो आप बताओ कि जब अब तुम नहीं करते हो उनकी बोली हुई चीजें तो क्या होता है. तो आप लोग खुद ही जानते हो कि अगर आप टीचर या पेरेंट्स की बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा, ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ठीक है. एक क्या था, घना जंगल था. डीप फॉरेस्ट मतलब होता है घना जंगल, ठीक है. वहां पे क्या होता था, एक बहुत लंबा सा पेड़ था, ठीक है. और उसमें बहुत सारी क्या थी, पत्तियां भी थी, जो उसकी शाखाएं थी, जो उसकी ब्रांचेस थी, उसमें बहुत सारी क्या थी, पत्तियां थी. और वो ऐसे फैला हुआ था जैसे उसकी क्या हो, बहुत मजबूत बाहें हों, ठीक है. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फॉक्स ऑफ वाइल्ड गीज. देखो क्या होता है, ये इस ट्री में क्या रहते थे, बहुत सारे क्या थे, होम मतलब होना है कि वहां रहते थे. अब तुम्हें पता है बर्ड्स के क्या झुंड को क्या बोलते हैं, फॉक्स बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, याद करो. बर्ड के जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं फॉक. तो किसका होता है, वाइल्ड गीस. एक गीस एक तरीके क्या होती है, बर्ड्स होती है, ठीक है ना. दे फेल सेफ देयर, वन ऑफ द गीस वाज वाइज ओल्ड बर्ड. अब देखो वो वहां पे क्या करती थी, सुरक्षित महसूस करती थी. और उनमें से क्या थी, एक गीस जो था वो क्या था, बहुत ओल्ड था. और वो क्या था, बहुत चालाक बुद्धिमान भी था, ठीक है. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू द अनदर बर्ड अबाउट इट. अब देखो उसने क्या किया, उस पेड़ के नीचे क्या देखा, एक क्रीपर देखा. क्रीपर समझते हो तुम, क्या बोलते हैं क्रीपर को, क्रीपर मतलब होता है बेलें होती हैं जैसे, ठीक है. जैसे बेल होती है ना, जो किसी के सहारे क्या होती है, आगे बढ़ती है. जैसे जैसे ककड़ी देखी होगी तुमने, कद्दू देखे होंगे, तो वो खुद पेड़ नहीं होता उसका, वो क्या होती है, दीवार के सहारे या किसी और पेड़ के सहारे या डंडे वंडे जो भी होते हैं उनके सहारे आगे वो होते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं बेटा, हम क्रीपर. तो उस पेड़ के नीचे क्या था, एक क्रीपर देखा उसने. देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये गीज है, ये वो टॉल ट्री है इन अ डीप फॉरेस्ट, और ये रहा क्रीपर. तो इसने देखो एक वाइज बर्ड है, तो इसने क्या कहा, ओल्ड वाइज बर्ड थी, उसने ये नोटिस किया और किसी दूसरी बर्ड को भी बोला कि देखो ये है, ये इसके इस पेड़ के नीचे क्या है, क्रीपर. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. तो उसने और को बताया कि देखा तुम लोगों ने कि यहाँ एक क्रीपर है, लेट इज डिस्ट्रॉय. तो उन्होंने कहा कि चलो क्या करते हैं, हम इसको खत्म करते हैं, इसको हटा देते हैं. वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, आज द गीस इन सरप्राइज. तो औरों ने पूछा इसको कि क्यों हम उसको क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें. ऐसी क्या वो प्रॉब्लम है कि मतलब हमें उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वाई शुड बी डिस्ट्रॉयड दैट, है ना. सो क्या बोलते हैं, इट इज सो स्मॉल, वट हार्म कैन इट डू, माई फ्रेंड्स रिप्लाई टू द वाइस ओल्ड बर्ड. और वाइस ओल्ड बर्ड को फिर और लोग क्या कहने लगे कि अरे ये तो बहुत छोटा सा है और ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है. दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, एज इट क्रीप अस दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. तो उन्होंने बोला, किसने, जो ओल्ड बर्ड थी उसने बोला कि देखो अभी तो ये छोटा है लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, ठीक है. और ये किस पे चढ़ जाएगा, पूरे पेड़ पे चढ़ जाएगा. व्हाट ऑफ दैट, आज द गीस, व्हाट हार्म कैन द क्रीपर डू अस. तो बोलता है कि चलो ऐसा हो भी जाए, अगर ये बढ़ जाए और क्रीपर अगर पेड़ पे भी आ गया तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है इसमें. डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइस बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, अ हंटर कैन कम अपॉन एंड किल अस ऑल, ठीक है. तो उसने क्या बोला कि अरे तुम्हें इतना पता नहीं है, वो क्रीपर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा लेकिन उस क्रीपर की मदद से कोई भी जो शिकारी होगा, हंटर मतलब शिकारी, वो भी क्या हो जाएगा, आसानी से क्या कर जाएगा, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और हमें क्या कर लेगा, हंट कर लेगा, ठीक है, हमें मार सकता है. वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ठीक है. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, ठीक है. तो अब उसने क्या बोला, उनके जो फ्रेंड्स थे बोला कि हमें ये तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी क्या कि जब हम क्रीपर को डिस्ट्रॉय करें, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्दी हो रहा है कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं.
और इसको बोला कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल, तो वो बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं कि इसको एक काम करो, जब तक ये यंग है तब तक ही डिस्ट्रॉय कर दो, अदरवाइज ये मारने क्या हो जाएगा, खतरा बन जाएगा. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली. बोलो ये टेंडर मतलब होता है बहुत नाजुक बोलते हैं जिस चीज को, ठीक है, तो ये नाजुक है और ये ईजी है. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, तो बाद में क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा और हम इसको क्या नहीं कर पाएंगे, कट नहीं कर पाएंगे. वी विल सी आंसर द बर्ड, तो अदर जो बर्ड्स होती है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है देखते हैं हम देखेंगे, ठीक है. बट दे नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला और अपनी रखी बाद में. और जो बुद्धिमान और जो सबसे बड़ी जो बर्ड थी उनमें से, उसकी बात नहीं मानी, ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया. दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, एट द क्रीपर ग्रो इट बिगिन वाइंडिंग इट्स ओन वे द ट्री. अब जैसे जैसे उन्होंने बात तो सुनी नहीं और धीरे धीरे क्या होने लग गया, क्रीपर क्या होने लग गया, ग्रो होने लग गया. देखो क्रीपर कैसे ग्रो होने लग गया, ऐसे कैसे उगा था यहाँ से और ऐसे क्या करने लग गया, पूरे पेड़ के क्या हो गया, वाइंड हो गया, ऐसे पूरे उसके सहारे बढ़ने लग गया, ठीक है. वाइंडिंग होती है मतलब रोल रोल होना इस तरीके से. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो जंगल है वहां पर उसको खूब अच्छा वो खाद वगैरह अच्छे से मिल रही थी और वो क्या हो गया, बहुत मजबूत होने लग गया, थिक होने लग गया, मजबूत होने लग गया. अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक रोप, और ब्लास्ट में कैसा हो गया, जैसे रस्सी के आकार का हो गया, इतना मजबूत हो गया जैसे रस्सी होती है ना, वैसे ही क्या हो गया, मजबूत बन गया. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट ऑफ द सर्च ऑफ अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज live, he said to himself, when they come back in the evening I shall catch them. तो अब वो क्या बोलता है, एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह की बात होती है कि गीज जो होते हैं, अब तुम्हें पता है बर्ड सुबह सुबह उठ के क्या चल जाती है, अपना खाना ढूंढने चली जाती है. तो वो अपने खाना ढूंढने गई और इतने ही उनके जाने के बाद वहां कौन आया, एक हंटर शिकारी आया, तो उसको पता चल गया कि अच्छा ये वाइल्ड गीज जो होती है वो यहां रहती है, चलो आज मैं इनके लिए क्या करता हूँ, जाल बिछाता हूँ और शाम को इनको क्या कर लूंगा, मैं पकड़ लूंगा इनको, ठीक है. हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद हेल्प ऑफ द क्रीपर, और जो हंटर था वो क्या हो गया, चढ़ गया पेड़ पे, किसकी मदद से, इस क्रीपर की मदद से, ठीक है बेटा, इस बेल की मदद से. ही गॉट द टॉप एंड स्प्रेड द नेट देयर, और वो क्या हो गया, टॉप में पहुंच गया, किसके, पेड़ के टॉप में पहुंच गया. वहां उसने क्या कर दिया, नेट मतलब होता है जाल, ठीक है, तो उसने वहां पे जाल बिछा दिया. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और उसके बाद जाल बिछा के वो नीचे आ गया और वहां से थोड़ा सा दूर चले गया. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इन टू द ट्री, दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट, ठीक है. तो अब जैसे ही वो शाम को आए, जितने भी गीज थे आए, तो उन्होंने नेट तो देखा नहीं, वो सीधे आए और क्या हो गए, जाल के ऊपर बैठ गए. जैसे ही जाल में बैठ गए वैसे ही क्या हो गया, जाल ने क्या कर दिया, नेट ने उनको क्या कर दिया, ऐसा ट्रैप कर दिया, ठीक है. और उन्हें बहुत कोशिश के बाद भी क्या हो गया, वो उस जाल से नहीं निकल पाए और बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है. हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, और जो जितने गीस थे देखो ये क्राई कर रहे हैं सबके सब और चिल्ला रहे हैं कि हमारी मदद करो. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, हम क्या हो गए, हम शिकारी के जाल में फंस गए और अब हम क्या करें, रोने लग गए सब लोग, परेशान होने लग गए. देखो ये है इसमें कौन, ओल्ड गीस, ये सारे यंग गीज है, ठीक है. डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइस ओल्ड वर्ल्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट डू. अब बोले कि आप ऐसे ये रिएक्ट मत करो, बहुत पहले मैंने तुम्हें बोला था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या हो गया तुम्हारे वजह से. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल ऑल ऑफ अस, अब दूसरे दिन क्या होगा, शिकारी सुबह सुबह आएगा और वो हम सबको क्या कर देगा, मार देगा. We were foolish, वेब द बर्ड्स, अब सारी जो बर्ड्स थी, अदर बर्ड्स थी, वो रोने लगे, बोलते कि हम क्या थे, बेवकूफ थे. We are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do. तो वो बोलते कि हम आपसे माफी चाहते हैं और हम क्या करें, अब क्या करें, हम हमारी तो गलती थी लेकिन अब क्या करें, आप भी बताओ कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो क्या थे, बहुत ओल्ड थे और चलाक मतलब बुद्धिमान थे, ठीक है. दे लिसन केयरफुली, रिप्लाई द वॉइस बर्ड, अब इस जब रोने लगे, मदद मांगने लगे, तो अब क्या जो ओल्ड बर्ड है वो कुछ कहने लग गया, क्या कहा उसने, when the hunter comes you must all pretended to be dead, just lie still, ठीक है. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. अब देखो कि क्या होता है कि वो बोलते हैं, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कि क्या हो गया कि कल तुम्हें क्या करना है, डेड होने का नाटक करना है. कैसे प्रिटेंड करना है, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना, जताना, प्रिटेंड मतलब जताना, ठीक है, कि ऐसे करना है कि थोड़ा सा लाई स्टिल मतलब ऐसे होना, लेटे रहना, ऐसे प्रिटेंड करना कि डेड है. जैसे द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, तो हंटर को क्या नहीं चाहिए, डेड बर्ड्स नहीं चाहिए, मरी हुई पक्षियां नहीं चाहिए, उनको जिंदा चाहिए होंगी, ठीक है. सो
ही विल थ्रो अस ऑन द ग्राउंड, तो वो हमें यहाँ से उठा के कहाँ फेंक देगा, ग्राउंड पे फेंक देगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और फिर ताकि वो, उसको अगर उड़ती हुई होंगी तो उसको मेहनत करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, ऐसा नाटक करेंगे कि हाँ ये बर्ड्स क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, तो वो हमें उठा के क्या कर देगा, फेंक देगा ग्राउंड पे, और फिर वो इस वजह से क्या करेगा, आराम से नीचे भी उतर पाएगा, वरना वो सोचेगा कि भाग ना जाए कहीं, तो वो पकड़ के लेके जाएगा, वरना अगर हम दिखाएंगे कि हम मर रखे हैं सबके सब, तो वो हमें नीचे फेंक देगा ऐसे ही, ठीक है, और नीचे जाएगा और फिर हमें जो डेड बर्ड्स होंगी, मतलब जो मरे हुए पक्षियां होंगी, उनको उठाने के लिए जाएगा, ठीक है. सो When the last of us been thrown down, and he must be quickly get up and fly away. तो अब क्या, जैसे ही हम में से क्या होगा, लास्ट वाली जो बर्ड होगी वो नीचे फेंकी जाएगी, वैसे क्या करना, जो लास्ट बर्ड होगी, जैसे ही उसको वो नीचे फेंकेगा, वैसे ही सबके सब क्या कर जाना, उड़ जाना, ठीक है. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. Next morning hunter आया, वो पेड़ पे चढ़ा. He looked at the geese in the net. फिर उसने क्या देखा, नेट में फंसी हुई जो जितनी भी गीज जो थी उनको देखा. They all are dead. They are all dead. He muttered to himself. उसने खुद से ही बुदबुदाया कि ये तो सब मर चुकी हैं. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. ठीक है, तो वो क्या होते गए, एक के बाद एक क्या होता गया, वो जाल से निकालता और नीचे नीचे फेंकता गया, ठीक है, और तब तक वो लेटे रही जब तक क्या हो गई, लास्ट बर्ड भी क्या कर दी, उसने नहीं फेंकी. Then all at once They got up, flapped their wings and flew away. और जैसे उसे लास्ट वाली भी नीचे गिरा दी, वैसे ही सबके सब एक ही बारी में सबके सब उठे और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए वहां से, ठीक है. The hunter was taken by surprise from the top of the tree. He watched all the geese fly away. तो hunter क्या हो गया, बहुत सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि वो, और ऊपर से ही देखता रह गया, क्या हो गया, सारी की सारी birds क्या हो गई, उड़ गई, ठीक है. So ये होता है टीम वर्क, ठीक है. इससे पहले हमने कौन सी पोएम पढ़ी थी, टीम वर्क, और यहाँ पे काम था कि उन लोग टीम वर्क की मदद से क्या करी बच्चे, अपनी जान बचाई, ठीक है. सो दिस पोयम, सॉरी दिस स्टोरी इज रिटन बाय शिव कुमार, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड बर्ड, ठीक है. तो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, पंचतंत्र से, लिखी किसने थी, शिव कुमार जी ने, ठीक है. एंड द क्वेश्चन आंसर आई हैव सेंड यू ऑलरेडी. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.